दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के चैप्टर के बारे में कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आपको जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 10 चैप्टर होंगे, तो मैं आपको बारी बारी से सभी चैप्टर का नाम इंग्लिश और हिंदी में बताऊँगा। जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, देख लें कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो जो कि मैं सीरियल से फर्स्ट सेकेंड करके आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर आपका मात्रक एवं विमाएँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सेकेंड जो है मापन में त्रुटियाँ, इरर्स इन मेजरमेंट्स। थर्ड चैप्टर आपका वित्तीय गति, सर्कुलर मोशन है। चौथा जो चैप्टर आपका है ग्रहों और सैटेलाइटों का मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, दृढ़ पिंड की गति, घूर्णन गति, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन। छठवां चैप्टर आपको तरल यांत्रिक, ब्लड मैकेनिक्स। सातवां चैप्टर आपको घर्षण फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। आठवां जो है आवर्त गति, हार्मोनिक मोशन। और नौवां जो है ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। दसवां चैप्टर आपका लास्ट है ध्वनिक, एकोस्टिक्स। तो दोस्तों, ये जो है अप्लाइड फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है। आपको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में आपका जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ईडी भी आएगा, कुछ कुछ मैकेनिकल वैकेनिकल प्रोडक्शन में ईडी भी पढ़ाया जाएगा, तो इसके बारे में बताऊंगा। साथ में जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको एक और वर्ड सताएगी, इसका नाम है असाइनमेंट। आप लोग परेशान रहेंगे, पहली बार सुनेंगे असाइनमेंट है क्या। तो इस पर भी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरी हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।